हेलो, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कॉजेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी इन जेड ट्रांसफॉर्म। तो कॉजेबिलिटी और स्टेबिलिटी दो तरह से हम चेक कर सकते हैं, एक तो जेड डोमेन में जाके, एक टाइम डोमेन में जाके। अगर टाइम डोमेन में सिग्नल गिवन है तो टाइम डोमेन में चेक करेंगे, अगर जेड डोमेन में गिवन है तो जेड डोमेन में चेक करेंगे। तो इसके लिए क्या मैंने एक टेबल बनाई हुई है, कब कैसे कॉजेबिलिटी चेक करनी है, कैसे स्टेबिलिटी चेक करनी है। टाइम डोमेन के बारे में तो आपको पहले से ही पता होगा, ये सिग्नल सिस्टम इतना लंबा हो चुका है। तो कॉजल कब होता है, जब जो सिग्नल की वैल्यू होती है राइट साइड में होती है केवल, यानी एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो के लिए होती है, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड है एन लेस देन जीरो के लिए सिग्नल की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। एंटी कॉजल में क्या हो जाएगा, राइट साइड में वैल्यू जीरो, लेफ्ट साइड में होनी चाहिए। नॉन कॉजल में दोनों तरफ आ जाती है वैल्यू। तो इस चीज़ को मैं टाइम डोमेन वाली चीज़ को एक बार ग्राफ बना के दिखा देता हूँ ताकि याद रहेगा। एक बार यहाँ पे ग्राफ से देख लो, ये सारी चीज़ें याद रहेंगी। ये हो गया बीच में जीरो और ये हो गया माइनस वन, ठीक है, इस टाइप से वन होगा, इसी टाइप से वैल्यू सारी होंगी। तो जब ये वाला जो रीजन है, ये वाला अगर वैल्यू इस वाले रीजन में, इस पूरे रीजन में है वैल्यू, इसे कहते हैं राइट साइडेड, तो यहाँ पे होता है सिग्नल कॉजल, अगर यहाँ पे वैल्यू एग्जिट कर रही है उसकी। अगर इस साइड आ रही है माइनस वन से इधर, क्योंकि ये तो जीरो, माइनस वन और जीरो बीच में तो कुछ होगा नहीं, यहाँ पे होता है एंटी कॉजल। सिग्नल की वैल्यू कहाँ पे आ रही है ये मायने रखती है। अगर दोनों तरफ आ गई, तो अगर दोनों तरफ आ गई, इधर भी माइनस वन के इधर भी और जीरो के इधर भी, अगर दोनों तरफ आ गई इस टाइप से, तो इसको क्या कहते हैं हम, नॉन कॉजल, ठीक। इस टाइप से ये होता है हमारा। फिलहाल इसे देख लेते हैं एक बार और अच्छे तरीके से। अलग अलग मैं तीन डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। अगर हमारा सिग्नल इस टाइप से गिवन है, ठीक है, तो ये क्या हो गया कॉजल। अगर यही चीज़ एक और नीचे बढ़ा लेते हैं इसको, देखो ये चीज़ ज़रूरी है समझना। अगर वैल्यूज़ माइनस वन के इधर दे रखी हैं लेफ्ट हैंड साइड में, कहीं पे हो सकती हैं, जरूरी नहीं माइनस वन पे हो, मगर लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए, इसको कहते हैं क्या, एंटी कॉजल। ये चीज़ हम किस में चेक कर रहे हैं, टाइम डोमेन में भी। नेक्स्ट थर्ड वन, नॉन कॉजल कौन से होते हैं, जिसमें दोनों तरफ वैल्यू आ जाती हैं, इधर भी वैल्यू आ गई, इधर भी वैल्यू आ गई, दोनों तरफ वैल्यू आ गई, तो इसमें दोनों तरफ वैल्यू आ जाती है, तो उसे क्या कहते हैं हम, नॉन कॉजल। तो अगर जीरो से ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो के वाले रीजन में वैल्यूज आ रही हैं, तो हम क्या कहेंगे उसको, कॉजल, ठीक है। उसके पीछे वाले रीजन में आ जाती हैं तो एंटी कॉजल, और दोनों तरफ आ जाती हैं तो नॉन कॉजल। अभी कॉजलिटी में की क्या पहचान है, जो यू होता है ना उसके अंदर एन पॉजिटिव होता है, ठीक है, एन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जो यू एन प्लस वन, यू एन प्लस थ्री, यू एन माइनस वन, जो भी हो, बस हमें एन देखना है, एन अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तब ये कॉजल होगा। जरूरी नहीं कॉजल होगा, एन पॉजिटिव का मतलब है, यहाँ पे एन पॉजिटिव का मतलब क्या है यहाँ पे, कि सिग्नल मेरा राइट साइडेड है, सिग्नल इज राइट साइडेड, मतलब राइट की तरफ जा रहा होगा, जैसे ये जा रहा है ना इधर, राइट की तरफ जा रहा होगा इस टाइप से। इसी टाइप से इधर इस वाले में के केस में क्या होगा, यू के अंदर जो भी आ रहा होगा नेगेटिव के साथ आ रहा होगा, तो यहाँ पे एन नेगेटिव का मतलब क्या है, एन नेगेटिव का मतलब क्या है यहाँ पे, सिग्नल लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा होगा, सिग्नल क्या होगा, लेफ्ट साइडेड, किधर जा रहा होगा वो, इस तरफ जा रहा होगा, ठीक है, यानी माइनस इन्फिनिटी की तरफ। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, दोनों तरफ जा रहा होगा, इधर भी जा रहा होगा और इधर भी जा रहा होगा, इसमें मतलब क्या होगा, दोनों टर्म होंगे इसमें, यू एन प्लस, यू एन भी होगा, यू माइनस एन भी होगा,
इसलिए क्या होगा ये बोथ साइडेड। यहां तक टाइम डोमेन की कहानी समझ आई सबको, अब आगे देखते हैं यहां पे क्या। फिर आरओसी के लिए, आरओसी अगर सबसे बड़े पोल, सारे पोल निकालोगे, पोल कैसे निकालते हैं, ट्रांसफर फंक्शन दे रखा होगा हमें एच ऑफ जेड करके इस टाइप से, रेशनल फंक्शन, यहाँ पे कुछ जेड की वैल्यू होंगी, यहाँ पे जेड माइनस वन, जेड माइनस टू, इस टाइप से। तो पोल कैसे निकालते हैं, डिनोमीटर को जीरो इक्वल पुट करके, वहाँ से जो वैल्यूज आएंगी उसमें जो सबसे बड़ा पोल होगा अगर उससे बाहर वाला रीजन आर ओ सी है, तब क्या कहते हैं उस चीज़ को हम, वो सिग्नल कैसा, कोजन। अगर आर ओ सी सबसे छोटे वाले पोल के अंदर की तरफ है तो उसे क्या कहते हैं हम, एंटी कोजन। अगर आर ओ सी दो पोल के बीच में है, दो पोल के बीच में, किन्हीं भी दो पोल के बीच में, तो वहाँ पे एक रिंग बन जाएगी, दो पोलों के बीच में आएगा, तो उसे क्या कहते हैं हम, नॉन कोजन। आई बात समझ। नेक्स्ट स्टेबिलिटी चेक कैसे करते हैं, टाइम डोमेन कैसे चलेंगे, कोजल कोजल है तो वो राइट साइड की तरफ जा रहा होगा, एन इक्वल्स टू इन्फिनिटी लगा देंगे पूरे सिग्नल में उस वाले टर्म के साथ। अगर वो वैल्यू फाइनाइट हो जाती है तो वो स्टेबल है, अदरवाइज नहीं है। एंटी कोजल के लिए लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा होगा, माइनस इन्फिनिटी रख के देख लेंगे, नॉन कोजल में दोनों तरफ रख के देख लेंगे, यू एन वाले के साथ इन्फिनिटी रखेंगे, यू माइनस एन वाले के साथ माइनस इन्फिनिटी रखेंगे। अगर वैल्यू फाइनाइट आती है तो वो स्टेबल है, अदरवाइज नहीं। इसी चीज़ को जेड डोमेन में कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर दो कंडीशन होती है। सबसे पहले जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है उसमें डिनोमेटर की डिग्री न्यूमेटर से बड़ी होनी चाहिए, तभी तो तुम उसका पार्शियल फ्रैक्शन कर पाओगे। सेकंड थिंग क्या, जो आर ओ सी है यूनिट सर्किल को इंक्लूड करनी चाहिए, यही मस्ट कंडीशन है। क्या है, यही मस्ट कंडीशन है। अगर आर ओ सी में यूनिट सर्किल आ गया तो इसका मतलब वो स्टेबल है। तो देखो इसी पे बेस्ड मैं क्वेश्चन लिए, क्वेश्चन करते हैं अब। यहाँ पे जो ये वाइट वाला पार्ट है ये आर ओ सी बता रहा है, और ये जो क्रॉस के निशान है ये बता रहे हैं क्या, पोल्स के बारे में। ये क्या क्रॉस का मतलब क्या है यहाँ पे, पोल्स। ठीक, तो एक पोल यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और एक जो ये सर्किल बना हुआ वन, इसे यूनिट रेडियस का सर्किल है। ठीक है, यही डिसाइड करता है स्टेबिलिटी। और यहाँ पे ये इस पहले वाले में तीन पोल दे रखे हैं, यहाँ पे देखो ये यूनिट सर्किल है, और यहाँ पे जो आर ओ सी है देखो, एक पोल ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तीन पोल है हमारे पास। आर ओ सी जो सबसे बड़ा जो पोल है उसके बाहर की तरफ है। अगर आर ओ सी सबसे बड़े पोल के बाहर की तरफ क्या होता है, तो इसका मतलब सिग्नल कैसा होता है, कोजल होता है। कैसा होता है, कोजल होता है। तो सिग्नल हमने देख के पहचान लिया किस टाइप का, तो ये किस टाइप का सिग्नल रहने वाला, कोजल। अभी केवल कोज, नेक्स्ट सीन देखो स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के लिए क्या देखते हैं, आर ओ सी के अंदर यूनिट सर्किल आता आ रहा है या नहीं। तो यूनिट सर्किल तो यहाँ पर रह गया, क्या ये इसके अंदर आ रहा है, क्या इसके अंदर, आर ओ सी तो यहाँ पर है, आर ओ सी से ये छू नहीं रहा, आर ओ सी से नहीं छू रहा, तो इसका मतलब आर ओ सी में नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या हो गया, नॉट अनस्टेबल। ये लिख दो अनस्टेबल, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहचानने आनी चाहिए पहली बात तो, क्योंकि इसके बिना जब इन्वर्स वाले क्वेश्चन करने वाले हैं वो एक भी कर नहीं पाओगे। नेक्स्ट वाले को देखो, यहाँ पर आप कितने पोल हैं, ये दो क्रॉस वाले देखो, दो पोल हैं, और दो पोल के बीच में है इस बार आर ओ सी। जब दो पोल के बीच में आर ओ सी होता तो एक रिंग बनती है, देखो यहाँ पर क्या, आर ओ सी एक रिंग बन रही है, तो इसका मतलब ये सिग्नल कैसा रहा होगा, नॉन कोजल। तो ये कैसा सिग्नल रहा होगा जब दोनों के बीच में आ जाती है, नॉन कोजल। और क्या ये स्टेबल है या अनस्टेबल, यहाँ पे देखो यूनिट सर्किल को इंक्लूड कर रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, देखो यूनिट सर्किल आ रहा है क्या हमारा आर ओ सी के अंदर, बिल्कुल आ रहा है, ये पूरा इसको क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब ये इसके अंदर आ रहा है, बस बाउंड्री को देखना है इसका, बाउंड्री को छू रहा है ये आर ओ सी यहाँ पे, ये देखो ये वाली, तो इसका मतलब ये यूनिट सर्किल इसके अंदर आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये स्टेबल। नेक्स्ट थिंग देखो, दो पोल दे रखे, दो पोल के अंदर की तरफ है आर ओ सी, दो पोल में से सबसे जो छोटा पोल है, ये वाला छोटा होगा इस वाले से, तो पोल इस वाले पोल के अंदर की तरफ है आर ओ सी। अगर अंदर की तरफ होता तो क्या होता, आर ओ सी अगर सबसे छोटे पोल के अंदर की तरफ है तो इसका मतलब आर ओ सी वो सिग्नल कैसा, एंटी कोजल। तो ये भी कैसा हो जाएगा, एंटी कोजल। स्टेबिलिटी चेक करो, क्या यूनिट सर्किल आर ओ सी के अंदर है क्या, बिल्कुल नहीं है, देखो यहाँ पे
आरओसी तो बाहर रह गया, आरओसी सॉरी यूनिट सर्किल तो बाहर रह गया आरओसी के, ये रह गया ना बाहर, तो इसका मतलब यूनिट सर्किल हमारा आरओसी में नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या हो गया, ये अनस्टेबल। ठीक, तो यहाँ पे देखो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, हम जो करेंगे इन्वर्स, वहाँ पे यही कंडीशन देखनी होंगी, सबसे बड़े पोल की बाहर की तरफ तो कोजल, सबसे छोटे के अंदर की तरफ नॉन कोजल, दोनों के बीच में तो नॉन कोजल। स्टेबिलिटी के लिए क्या देखना, यूनिट सर्किल अगर उसके अंदर आ रहा है, यूनिट सर्किल आर ओ सी के अंदर आ रहा है तो स्टेबल, अदरवाइज अनस्टेबल। बस यही चीज़ है, कोजलिटी और स्टेबिलिटी चेक करना, इसी से ही हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं इनवर्स के सारे अगर ये चीज़ नहीं पहचान पाओगे तो पता नहीं लग पाएगा। ठीक है, कोजल आता है तो उसमें यू एन का टर्म आता है, और नॉन कोजल में दोनों आ जाते हैं, यू एन और यू माइनस एन, मैं बता चुका हूँ। एंटी कोजल में यू ऑफ माइनस एन वाले टर्म आते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इनवर्स का क्वेश्चन करेंगे जेड ट्रांसफॉर्म पर। आप फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।